एक डाउट है हमारे स्टूडेंट का, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। चलिए इसे क्लियर कर देते हैं पहले। वैशाली, यही था डाउट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ये कंफ्यूज करते हैं थोड़ा, जेन्युइन है डाउट। चलो, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। देखिए ये कब होती है, देखिए कोई पर्सन है, सबसे पहली चीज़ कि वो कैपेबल है, उसमें कैपेबिलिटी है, यानी कि उसमें योग्यता है, वो सक्षम है कार्य करने के लिए। जो रिक्वायर्ड कैपेबिलिटी चाहिए, जो स्किल्स चाहिए, जो एबिलिटी चाहिए, वो उसमें है, वो विलिंग है उस काम को करने के लिए, वो इच्छुक है, वो खुद को प्रस्तुत कर रहा है कि मैं करना चाहता हूँ, तो वो कैपेबल है, वो विलिंग है, वो योग्य है, वो सक्षम है, और वो प्रस्तुत कर रहा है खुद को काम करने के लिए, बट उसे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, उसे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं काम के रूप में, तो दैट पर्सन इज़ अनएम्प्लॉयड, एंड दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज़ क्लियर एंड विजिबल। इट इज़ नॉट हिडन, इट इज़ नॉट टेम्प्रेरी, इट इज़ वेरी क्लियर कि दिस पर्सन इज़ कैपेबल, दिस पर्सन इज़ विलिंग, दिस पर्सन इज़ सीकिंग द जॉब, बट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आर नॉट देयर। उसकी स्किल्स, उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जॉब्स नहीं हैं। तो दिस इज़ वेरी क्लियर एंड विजिबल लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। इट इज़ नॉट हिडन, इट इज़ विजिबल। इट इज़ नॉट टेम्प्रेरी, इट इज़ लॉन्ग टर्म। इट इज़ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोज़गारी है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये किस किस कॉन्टेक्स्ट में होता है? अब किसी भी फील्ड में एबल, केपेबल, स्किल्ड, एजुकेटेड हो सकते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है अवेलेबल। उदाहरण के तौर पर, एक इंजीनियर अभी ग्रेजुएट हुआ है, दैट पर्सन इज़ इंजीनियर, वो अपनी इंजीनियरिंग की कैपेबिलिटीज़, स्किल्स और एजुकेशन के हिसाब से क्या ढूंढ रहा है? जॉब अपॉर्चुनिटीज़। रिलेटिव्स को बोला है, जगह जगह रिज्यूमे डाला जा रहा है, अखबार पढ़े जा रहे हैं, घूम घूम के सबको बताया जा रहा है कि मुझे नौकरी चाहिए। एवरीवेयर दिस पर्सन इज़ विलिंग, डूइंग एफर्ट्स, हैविंग कैपेबिलिटीज़, स्किल्ड, इज़ इंजीनियर, सीकिंग द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज एबिलिटीज़, बट नो जॉब्स, जॉब्स हैं नहीं। ये फर्स्ट कंडीशन क्लियर। सेम सिचुएशन विद द स्किल्ड आर्टिजन, कारीगर आदमी। अब वो वुड वर्क करता हो, वो आयरन वर्क करता हो, वो पॉटर हो सकता है, उसके पास कैपेबिलिटी है, उसके पास स्किल्ड है, वो विलिंग है काम करने के लिए, बट उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, रीज़न ये हो सकता है कि ये काम अब मशीन मेड और फैक्ट्री सेटिंग में होने लग गए हैं, तो आपके लिए काम नहीं है अब, नाउ आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। टेक्नोलॉजी बदल जाने की वजह से आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई। वो बर्तन, वो लकड़ी का काम, वो लोहे का काम फैक्ट्री सेटिंग में हो रहा है, फैक्ट्री में है। आप जैसे अपने इंडिविजुअल लेवल पर वो बनाया करते थे अपनी टीम ऑर्गेनाइज करके, अब वैसे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। या दूसरी बात, टेक्नोलॉजियाँ सारी बदल गई हैं, आपके स्किल्स रिडंडेंट हो गए हैं, अब ऑब्सोलीट हो गए हैं, रिक्वायर्ड नहीं है। सेकेंड, एग्रीकल्चरल लेबरर, एग्रीकल्चरल लेबरर स्किल्ड इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इन्हें फसल बीजना, फसलों में दवाई डालना, पानी लगाने के साइकिल्स, फसल काटना, सारा ज्ञान है, बट फसल लगाने के बाद जो फसल के बढ़ने का समय है, ये लीन सीज़न है, और इस लीन सीज़न में इन्हें फसल से जुड़ा काम नहीं मिल रहा है। और दूसरे काम,
जैसे ये मैसनरी वर्कर नहीं है तो ये कोठियों में काम नहीं कर सकते हैं, इन्हें मिस्त्री का काम नहीं आता, राजमिस्त्री का, सड़कें बनाने का काम नहीं आता इन्हें, प्लम्बिंग का काम नहीं आता इन्हें, इन्हें जो काम आता है अब वो काम नहीं है, इस समय वो काम नहीं है। टूरिज़्म सेक्टर में ऐसी सिचुएशन कब आई, जब कोरोना आ गया, टूरिज़्म से जुड़े हुए होटल में काम करने वाला सारा स्टाफ, सारे वेंडर, सारे ट्रैवलिंग एजेंट्स, उनका स्टाफ, एवरीवन, दे आर स्किल्ड, दे आर एबल, दे आर केपेबल, दे आर एजुकेटेड इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टूरिज़्म सेक्टर, बट उन दिनों में तो वो टोटली बंद हो गया, तो ये मारे मारे घूम रहे थे, इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी जिस चीज़ में ये केपेबल हैं, सक्षम हैं, योग्य हैं और विलिंग हैं काम करने के लिए, बट जॉब नहीं है। क्यों? होटल्स बंद थे उन दिनों में, ट्रैवल बंद था उन दिनों में, दे आर नॉट गेटिंग द जॉब्स। सो इट इज़ वेरी क्लियर, वेरी विजिबल लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप छुपा नहीं सकते, आप ये नहीं कह सकते कि देर इज़ नो लीन सीज़न, हो तो रही है एग्रीकल्चर, नाउ इट इज़ क्लियर कि दिस इज़ द लीन सीज़न। इट इज़ क्लियर कि इंजीनियर के लिए जॉब्स नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन कब क्रिएट हो सकती है, किसी भी इकोनॉमी में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये ज़्यादा डोमिनेंट होती है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। वाई? क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो उस रेट पे एक्सपेंड नहीं हो रही जिस रेट पे और जिस साइज़ में लेबर फोर्स एक्सपेंड हो रही है। तो लेबर फोर्स बहुत बड़ी हो गई है, इंडस्ट्री का साइज़ उसके कॉन्टेक्स्ट में बढ़ा ही नहीं, तो अब लेबर फोर्स रेडी है, केपेबल है, स्किल्ड है, बट इंडस्ट्री के पास जॉब नहीं है। तो इट इज़ वेरी क्लियर, वेरी विजिबल लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द केपेबिलिटी एंड स्किल्स ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन विच इज़ सीकिंग द जॉब। हमने टूरिज्म में देखा, हमने स्किल्ड आर्टिजन के केस में देखा, हमने एग्रीकल्चरल लेबरर के केस में देखा, हमने एक फ्रेश ग्रेजुएटेड इंजीनियर के केस में देखा। तो ये सारी की सारी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट हैं। अब क्या होगा, ये इंजीनियर को ना चाहते हुए भी वो जॉब करनी पड़ेगी जिस जॉब के लिए ये ओवर क्वालिफाइड है, जिस जॉब में इसके स्किल्स फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे। ये फुल टाइम जॉब भी कर सकता है वहाँ पे, ये पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता है वहाँ पे, तो अब ये एम्प्लॉयड तो है, ही इज़ एम्प्लॉयड, ये काम कर रहा है, बट वो काम इसकी योग्यता के मुताबिक नहीं है, जितना सक्षम है उतना नहीं है, मतलब वो जॉब इसके पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पा रही, ये ओवर क्वालिफाइड है उस जॉब के लिए। तो मतलब दिस इंजीनियर इज़ अंडर एम्प्लॉयड, दिस इंजीनियर इज़ अंडर एम्प्लॉयड। लाइकवाइज वो टूरिज़्म सेक्टर से जुड़े लोग, कोई ऑटो चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई शादियों में फूल लगा रहा है, जबकि वो होटल मैनेज करना जानते थे, टूर एंड ट्रैवल के पैकेजेस बना रहे थे, सब कुछ मैनेज करना जानते थे, शादियाँ ऑर्गेनाइज करते थे, लेकिन अब वो जो काम कर रहे हैं उनमें उनका स्किल्स, उनका पोटेंशियल फुली यूटिलाइज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके जो स्किल्स हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में जॉब्स नहीं है, देर इज़ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक सिचुएशन क्रिएट हुई कि अपनी लाइवलीहुड मेंटेन करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, सो दे आर वर्किंग बिलो देयर कैपेबिलिटीज़, दे आर वर्किंग बिलो देयर स्किल्स, दे आर वर्किंग बिलो देयर एजुकेशन, दे आर वर्किंग बिलो देयर क्वालिफिकेशन, सो अल्टीमेटली दैट जॉब इज़ अंडर पेड जॉब एंड दैट इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, बट दे आर नॉट जॉबलेस, दे आर डूइंग जॉब। इन द केस ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट दे आर अनएम्प्लॉयड, वो पूरी तरह से अनएम्प्लॉयड है, समझ में आई? लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट के मामले में वही लोग जो अनएम्प्लॉयड नज़र आ रहे हैं, उन्होंने कोई ना कोई जॉब अगर पकड़ ली मान लो किसी भी तरह से, तो वो अब अनएम्प्लॉयड तो नहीं दिख रहे, अंडर एम्प्लॉयड दिख रहे हैं, अंडर एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड नहीं है। ओके, सिंपल केस है, एक इंजीनियर है, इंजीनियरिंग के वाया वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन वो क्या कर रहा है, सिंपल सी किसी गोडाउन में एंट्रियां डाल रहा है 8-10 हज़ार की नौकरी में, किसी तरह से अपना अपने घर वालों का पेट भरने के लिए, जबकि है वो इंजीनियर। तो अब उसके पास दो ऑप्शन थे, उसने फेस की ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, तो अब या तो वो पूरी तरह से अनएम्प्लॉयड घर पे बहले या फिर अंडर एम्प्लॉयड हो जाए। तो वो अंडर एम्प्लॉयड हो गया, उसने एंट्रियों वाली वो जॉब ले ली, ठीक है। तो मेजॉरली जो एजुकेटेड युवा हैं, स्किल्ड युवा हैं,
उन्हें क्योंकि अपनी मर्जी की उनकी एजुकेशन के हिसाब से उनकी स्किल्स के हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं रही हैं, तो लंबे लंबे समय तक घर पे बैठे रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। तो वो कैपेबल भी हैं, वो स्किल्ड हैं, वो एजुकेटेड हैं, वो विलिंग भी हैं, वो जॉब करने के लिए भी विलिंग हैं, बट उनकी स्किल्स के हिसाब से जॉब नहीं है, इसलिए वो जॉब कर नहीं पा रहे हैं। ये है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। और ऐसे में ज़्यादा दिन नहीं बीत सकते, तो जैसी तैसी जो मिला वो काम पकड़ लिया, कोई मैकडोनल्ड्स में लग गया, कोई KFC में लग गया, काउंटर पे बिल बना रहा है या सर्व कर रहा है इंजीनियर प्रोफेशन से, पूछो क्या हो आप, तो इंजीनियर हैं। वो अंडर एम्प्लॉयड हो गया, फिर अनएम्प्लॉयमेंट से अच्छा वो कह रहा है भाई अंडर एम्प्लॉयड ही हो जाए, कब तक रह लें अनएम्प्लॉयड, हो जाओ अंडर एम्प्लॉयड। ओके, तो दैट्स वाई इसके यहाँ पर हमने अन की बजाय अनएम्प्लॉयड की बजाय अंडर एम्प्लॉयड हो गया वो। और ये तो पूरी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट ही है ना ओपन वाली। तो ये दो परिस्थितियाँ, ठीक है पूर्वी। कल को जब ग्रेजुएट हो जाओगी अच्छे से, पूरा BCom कर रही हो ना, कल को जब BCom करके ग्रेजुएट हो गई पूर्वी अपनी, पूर्वी बनना चाहती है अकाउंटेंट किसी कंपनी में सपोज करो, और पूर्वी ने जगह जगह रिज्यूमे डाले और हर जगह से एक ही बात सुन रही है, मैडम अभी जॉब्स ही नहीं है अकाउंटेंट की, अभी ये है ही नहीं। तो पूर्वी घर आके बोल रही कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही मुझे। तो फिर रिश्तेदारी में एक अंकल ने, उन्होंने कहा यार हमने स्टोर खोल रखा है अपना इतना अच्छा, वहाँ क्यों नहीं आती तुम, आओ आओ स्टोर पे आओ, घर बैठे रहने से स्टोर पे ही अच्छा। तो पूर्वी ने, घर वालों ने भी बोला कि टाइम पास होगा, और फिर आजकल एक चीज़ बड़ी जल्दी होती है डिप्रेशन, वो नहीं होगा, चली जा जल्दी। तो पूर्वी वहाँ चली गई, अंकल ने 8,000 रुपये दिया, और पूर्वी ने पूछा अंकल करना क्या, बैठ बेटा काउंटर पर बैठ, बस देखती रहे अपना ग्राहक आ रहे हैं जा रहे हैं, बिल काट के देती रहे। अकाउंटेंट में और इस व्यक्ति में बड़ा फ़र्क है। तो किसी तरह से पूर्वी अब टोटल अनएम्प्लॉयमेंट से, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट से बच बचाती, अंडर एम्प्लॉयमेंट में घुस गई जाके। तो ये हुआ है, ठीक है पूर्वी, याद रखना। क्लियर सबको? ओके, डाउट क्लियर, वीडियो क्लोज़।